चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के जो चैप्टर हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक चैप्टर्स को आप लोगों को प्रोवाइड करा पाएं जो एनसीईआरटी की लाइन है उसके हिसाब से। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो अपने कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी कैसे हमें इसको पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर में जो अपने बोर्ड के लिए भी हेल्प कर सके हमें। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहले तो कुछ बेसिक सी चीज जो आपको आना ही चाहिए वो क्या है, एटॉमिक मास आपको याद रहना चाहिए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का। तो मैं इधर लिख रहा, जैसे हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। हीलियम के लिए ऐसे कितना, या फिर कम से कम मैं भी इधर लिखूंगा जब लिस्ट ना, तो उसमें कुछ मैं पॉइंट दे दूंगा कि इसको इसको तो पक्का ही याद कर लेना, तो उसको याद जरूर रख लेना। हीलियम के लिए कितना होता है भाई, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है 4। ऐसे लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3, लेकिन जो इसका एटॉमिक मास है अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास। ऐसे अगर हम लोग आगे चलें और लिथियम की बात बात करेंगे तो बेरिलियम की, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और उसका एटॉमिक मास लगभग 8 के आसपास, याद कर लीजिए। बोरॉन के पास ऐसे इसका एटॉमिक नंबर 5 और जो इसका एटॉमिक मास होता है वो 11 के आसपास। ऐसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और जो इसका एटॉमिक मास 12, ये आपको पक्का याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का आपको पक्का याद होना चाहिए, हीलियम को आपको याद रखना है, इन सब की अक्सर जरूरत पड़ती रहेगी। और जो चीजें हैं ना वो नहीं भी याद रहेंगी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में उनकी वैल्यू दे देता है। ऐसे नाइट्रोजन के लिए इसका एटॉमिक नंबर 7, लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है 14। ऐसे ऑक्सीजन के लिए उसका एटॉमिक नंबर 8, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना 16। ठीक है, ये नाइट्रोजन का भी आपको डेटा याद रखना है, ऑक्सीजन का भी याद रखना है, और ध्यान से देखिए याद रखना भी बड़ा आसान है। फ्लोरीन के लिए ऐसे एटॉमिक नंबर 9 और जो उसका एटॉमिक मास होता है वो होता है अपने पास लगभग 18। ऐसे नियॉन के पास उसका एटॉमिक नंबर है 10 और एटॉमिक मास है 20। उसके बाद सोडियम का आप याद रख लीजिए, मन करे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसका एटॉमिक मास होता है 23। ठीक है, ऐसे मैग्नीशियम के लिए उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, उसका एटॉमिक मास होता है 24। एल्यूमिनियम के लिए उसका एटॉमिक नंबर 13 और उसका एटॉमिक मास होता है 27। ये डेटा अगर आपको याद रहता है तो ठीक, लेकिन कम से कम आप कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, हीलियम का, ये जरूर याद रखिएगा। आगे सिलिकॉन के लिए चलें तो उसका एटॉमिक नंबर 14 और उसका एटॉमिक मास 28। ऐसे फास्फोरस के लिए उसका एटॉमिक नंबर 15 और उसका एटॉमिक मास 51। ठीक है, एटॉमिक नंबर 15 है फास्फोरस का, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो है 31। ऐसे सल्फर के पास चलें तो ये आपको याद रखना है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और उसका एटॉमिक मास होता है 32। ऐसे अगर हम आगे चलें सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और उसका एटॉमिक मास जो है वो आता है 35.5। ठीक है, ऐसे अपने पास है आर्गन और उसका एटॉमिक नंबर है 18, लेकिन उसका एटॉमिक मास आता है 40 के आसपास। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और उसका एटॉमिक मास आता है 39। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और उसका एटॉमिक मास होता है 40। तो कम से कम आप किसको याद रखेंगे, कैल्शियम को याद रखेंगे, सल्फर क्लोरीन को याद रखेंगे, मन करे तो सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम याद रख लीजिए, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हीलियम, जो हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम है इनको। ये 20 एटॉमिक नंबर अगर आपको याद रहेगा, याद है तो आप फटाफट वीडियो को आगे जाकर के देखिए, जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी यहाँ से वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, नहीं याद है तो इन चीजों को जो मैं बोल रहा हूँ एक बार फिर से आप बेसिक से इस पर थोड़ा सा मेहनत करिए, आपको याद हो जाएगा ये सब। याद रहेगा तो इससे हमें फायदा मिलेगा, ये एक्चुअली में एटॉमिक मासेस आगे चल करके हमें कुछ रिलेशन बना के देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू मोल। अब तक की 10th क्लास तक की केमिस्ट्री में मोल के बारे में थोड़ा सा शायद ही आपने सुना हो, नहीं सुना है तो एक छोटी सी कहानी इसके बारे में इस चैप्टर में आगे हमारे पास डिस्कशन में आएगा कि मोल कुछ ऐसा चीज नहीं है, बस बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स को मिला करके बोल दिया गया 1 मोल। ठीक है, और जो छोटा छोटा नंबर है ना वो बहुत बड़ा सा है, 6.022 × 10³। अगर कोई चीज इतना हो जाए तो उसको हम बोल सकते हैं 1 मोल। ठीक है, जैसे हमारे पास इतनी पेन्स हो जाए तो हम बोलेंगे फिर हमारे पास 1 मोल पेन है। अगर हमारे पास इतना हो जाए एप्पल तो हम बोलेंगे हमारे पास 1 मोल एप्पल है। अगर इतनी हमारे पास क्रिकेट की बॉल्स हो जाए तो बोलेंगे फिर हमारे पास 1 मोल बॉल है। ठीक है, मतलब ये एक नंबर जैसा है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर इतना कोई चीज हो जाएगा हमारे पास तो हम उसको 1 मोल बोल देते हैं। अक्सर इसको बात करते हैं इस वजह से क्योंकि जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो बहुत छोटे, लेकिन जो मोल है उसको हम लोग बहुत सारे एटम्स को मिला करके 1 मोल बोल देते हैं, तो उस मोल को डील करना आसान होता है, लेकिन एक एक एटम को डील करना बहुत टफ। तो नॉर्मली ऐसे बोलेंगे कि अगर हमारे पास इतने एटम्स हो जाए, इतने एटम्स, तो उसको बोलेंगे इसका मतलब उस जिसके बारे में तुम बोल रहे थे, मान लो इतने हमारे पास सोडियम एटम हो गए तो हम बोलेंगे हमारे पास 1 मोल सोडियम है। अगर हमारे पास इतने पता चला ऑक्सीजन गैस हो गया तो हम बोलेंगे इसका मतलब हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस है।
अगर इतने मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास ऑक्सीजन गैस के, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 मोल ऑक्सीजन गैस, मतलब ये जस्ट एक नंबर जैसा है, वो हमें याद रखना है। इसको दिखाते हैं एवोगैड्रो नंबर Na से, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 6.022 × 10^23। एक साइंटिस्ट हैं एवोगैड्रो, जिनके नाम से ये ध्यान रखते हैं, जब भी कभी Na यूज होगा N कैपिटल A, तो इसका मतलब है वो इतने बड़े नंबर को बता रहा है बस। अच्छा, मास को मोल में और मोल को मास में कन्वर्ट करने का एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है भाई, मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। उसके पहले आपको मॉलिकुलर वेट निकालना आना चाहिए। कैसे निकाल पाएंगे, जो अभी आपने देखा था ना एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट अगर आप जानते होंगे लोगों का तो बता पाएंगे। जैसे मान लो हमें कभी NO2 का किसी ने पूछ लिया मॉलिकुलर वेट, ये क्वेश्चन में वेट अक्सर दे देगा, हमें मॉलिकुलर वेट जानना चाहिए बस फटाफट। तो बोलेंगे नाइट्रोजन के लिए अभी एटॉमिक वेट देखा था 7, ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक वेट कितना देखा था भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ये बात करें फिर से हमें चाहिए इसका मॉलिकुलर वेट, तो बोलेंगे नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर था वो 7 था, लेकिन जो इसका एटॉमिक वेट था वो था 14। ऐसे ऑक्सीजन के लिए जो एटॉमिक वेट था वो था 16 × 2 करेंगे तो आएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास टोटल बनेगा 32 + 14 करके, वो आ जाएगा NO2 का मॉलिकुलर वेट, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास अगर इतने मोल्स हो जाए, या ऐसे बोलेंगे 1 मोल अगर हमारे पास NO2 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब होगा इतना ग्राम NO2 है, उसको मोल को हम मास से रिलेट कर सकते हैं फिर, अगर हमें उसका मॉलिकुलर वेट पता हो तो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें उसका मॉलिकुलर वेट निकालना आता हो। जैसे किसी ने दे दिया NaOH का बता दो भाई मॉलिकुलर वेट कितना होता है, तो हम बोलेंगे देखो सोडियम का एटॉमिक वेट था 23, ऑक्सीजन का जो था वो था 16 और हाइड्रोजन के लिए 1, तो टोटल आ जाएगा 40। ये 40 अगर हम निकाल पाएंगे तो यहाँ रख देंगे, तो हमें अगर कोई मास में बोलेगा कि हमारे पास इतना मास है किसी का, तो हम उसका मोल बता देंगे बस। हमें उसका आना चाहिए, उसका मॉलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं फटाफट, ये हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे किसी ने पूछा H2SO4 का बता दो, तो बोलेंगे एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता था एटॉमिक वेट, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा, और सल्फर के लिए 32, ऑक्सीजन के लिए 16 और 4 ऑक्सीजन है तो × 4 हो जाएगा। अब ये नेट में हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 98। इसका मतलब H2SO4 का मॉलिकुलर वेट हो गया 98। अब आप इसकी जब यूनिट लिखेंगे ना अक्सर मॉलिकुलर वेट की, तो लिखेंगे ग्राम पर मोल में। जैसे H2SO4 का मॉलिकुलर वेट हो गया हमारे पास 98 ग्राम पर मोल। इसको मॉलिकुलर वेट ना बोल करके हम लोग अक्सर बोलेंगे मोलर मास। क्या बोलेंगे? मोलर मास। मोलर मास का मतलब होगा एक मोल का मास कितना है। तुम बोलेंगे एक मोल अगर हम H2SO4 लाना चाहते हैं, इसका मतलब 98 ग्राम लेकर चले आओ, वो हो जाएगा 1 मोल। ये निकालने के लिए आपको कोई साइंटिफिक मेथड नहीं चाहिए, आप बस इसके एटॉमिक वेट जो थोड़ी देर पहले बताए ना वो याद रख लीजिए, आपको फटाफट फिर ये पता चल जाएगा कि कैसे हम बताएं उसका मॉलिक्यूलर वेट, किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो। जैसे किसी ने हमसे पूछ लिया चलो बता दो CO2 का क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना आएगा तभी आप मोल और मास को आपस में रिलेट कर पाएंगे। तो कार्बन के लिए कितना एटॉमिक नंबर था 6, लेकिन जब आप उसका एटॉमिक वेट देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन के लिए 16 × 2, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 44। अक्सर इसको लिखेंगे ग्राम पर मोल में, मोलर मास लिखेंगे, एक मोल का मास इतना है, ठीक है। चलिए, अगर ये निकालना अगर हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास, तो हम बहुत आराम से किसी के मास को मोल में और मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे किसी ने बोला हमारे पास है 20.23 ग्राम ऑफ सोडियम, अगर हमारे पास इतना सोडियम है और हमसे कोई पूछे बता दो भाई कितना मोल में है हमारे पास, तो हम बोलेंगे देखो अब मोल अगर निकालना है तो एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है गिवेन मास, जो कि ग्राम में देना चाहिए, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, या फिर अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक मास। तो बोलेंगे सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है भाई 23, हम जानते थे, तो ये 23 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा कितना अपने पास 10^-2, मतलब 10^-2। इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो ऐसे लिखो 0.01, इतना मोल है हमारे पास किस चीज का, सोडियम का, ठीक है। अगर किसी ने बोला 0.23 ग्राम है सोडियम का, इसका मतलब वो कितना मोल में है, 0.01 मोल है हमारे पास सोडियम, ठीक है। अगर कोई पूछे कितने एटम्स हैं सोडियम के, तो बस आप मोल की जगह पे किसको रख दीजिए, किसको रख दीजिए मोल की जगह पे, वो बड़ा वाला नंबर Na डाल दीजिए, जिसकी वैल्यू आपने थोड़ी देर पहले याद किया था कितना 6.022 × 10^23। बस ये छोटी सी चीज आपको अगर पता रहेगा तो आपको फायदा मिलेगा कैसे हम इसको किसी के मोल को मास में, मास को मोल में कन्वर्ट करें। जब भी कभी मास देगा तो हमें हमेशा क्या करना होगा, उसको डिवाइड कर देना होगा उसके मोलर मास से। जैसे किसी ने दे दिया हमारे पास कि हमारे पास है 0.4 ग्राम ऑफ NaOH, बता दीजिए कितना मोल है, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई मोल कैसे निकाल लीजिए, गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। सोडियम का ये NaOH तो पूरा मॉलिक्यूल है, इसका मोलर मास बड़े आराम से बता सकते हैं, सोडियम के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1, ये हो जाएगा 0.4 / 40, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.01। इसका मतलब अगर तुम लेकर आओगे मार्केट से 0.4 ग्राम NaOH, इट मींस यू हैव 0.01 मोलर, ये कितना हो गया
ये मोलर नहीं, ये बन गया 0.01 मोल, ये हो गया इतना मोल NaOH का। बस आपने मोल को किससे डिवाइड कर दिया, मॉलिक्यूलर मास से, तो जो मिलेगा वो बन जाएगा मोल। जैसे किसी ने दे दिया हमारे पास है 3.7 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आप हमसे कोई पूछ ले बताओ कितना मोल है, फिर तो हम बस फटाक से गिवन मास है ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कैल्शियम के लिए कितना हो जाता है 40, ऑक्सीजन के लिए कितना था 16, हाइड्रोजन के लिए कितना 1, और दो लोग हैं ऐसे तो हम इंटू टू कर देंगे, 16 प्लस 1 इंटू टू, क्योंकि वो OH होल ट्वाइस था ना। तो बस ये सॉल्व करेंगे तो 37 डिवाइडेड बाई 74 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा हमारे पास 0.1 ऊपर बच जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.05। मतलब अगर आप लेकर आ रहे हैं 3.7 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स वी हैव 0.05 मोल्स ऑफ किसका, मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो अगर हमारे पास मास दिया होगा तो मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिकुलर मास से, उसके मोलर मास से, उसके एटॉमिक मास से, वो जो भी होगा। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, अगर वो कोई एटम जैसा पार्ट है जैसे सोडियम पोटेशियम ऐसे दे दिया तो वही एक एटम जैसा पार्ट है, तो हम उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। अल्टीमेटली जो थोड़ी देर पहले बताया वही वाले का हेल्प लेना पड़ेगा, बस जो 20 तक तुम्हें याद कराया। अच्छा, अब अगर कभी मोल दे दे तो मास में कैसे कन्वर्ट करें, वो कन्वर्ट करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि मोल इक्वल्स टू होता है क्या है भाई, मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब अगर हमें मोल किसी ने दे दिया और हमसे कोई पूछे बताओ कितना वेट है, कितना मास है उसका, तो हम क्या करेंगे, मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हमें निकालना होगा मास, क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास से, मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आपको मिल जाएगा उसका मास। जैसे किसी ने दे दिया हमारे पास है 2 मोल वाटर, 2 मोल गंगा जल है अपने पास, तो हम हमसे किसी ने पूछ लिया बता दो इसका मतलब हम कितना मास है हमारे पास वाटर का, तो बोलेंगे 2 मोल है, उसके मॉलिक्यूलर मास से आप मल्टीप्लाई कर दो फटाक से। उस वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा, 2 हाइड्रोजन के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 16, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 2 36। इसका मतलब 36 ग्राम है आपके पास वाटर, 36 ग्राम मतलब 2 मोल हो गया वाटर के लिए। किसी ने बोला हमारे पास 4 मोल्स अमोनिया है, तो इसका मतलब कितना मास है अमोनिया का, तो हम बोलेंगे देखो भाई मास निकालना बड़ा आसान है, अगर आपने मोल दिया है तो मोल इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास। जो नाइट्रोजन के लिए हम लोगों ने ध्यान दिया है वो कितना है 14, हाइड्रोजन के लिए कितना है 1, 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 3, तो 17 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 17 इंटू 4 68, इट मीन्स वी हैव 68 ग्राम ऑफ क्या, अमोनिया। 68 ग्राम अमोनिया है, इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास, 4 मोल्स है अमोनिया के, ठीक है। जैसे किसी ने दे दिया हमारे पास है सपोज 2 मोल्स ऑफ H2SO4, तो बताओ कितना मास है हमारे पास H2SO4 का, तो हम बोलेंगे देखो मास निकालना बहुत आसान काम है, उसके मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई, हम बोलेंगे देखो 2 हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 2 इंटू 1, सल्फर के लिए होता है 32, और O4 है ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो बस 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 जो टोटल आ जाता है हमारे पास 98, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास पता चल जाएगा 196 ग्राम। इसका मतलब 196 ग्राम लेकर आओगे, इसका मतलब तुम्हारे पास 2 मोल्स हैं H2SO4 के, ठीक है। अब 2 मोल्स H2SO4 के, इसका मतलब इतना मास हो गया। अच्छा 2 मोल है वो, तो कोई पूछता बता दो कितने मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4 के, कितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहे होंगे रियल में, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू Na। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, जो थोड़ी देर पहले देखा, इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके 2 मोल बन रहे होंगे H2SO4 के। अच्छा कोई पूछे नहीं नहीं बता दो टोटल कितने एटम्स हैं 2 मोल में, टोटल एटम्स, तो एटम क्या चीज है, जैसे H2SO4 किससे मिलकर बना है, 2 H एटम से, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम से, तो एक्चुअली में इसमें कितने एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर और 2 हाइड्रोजन, मतलब टोटल कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर 3 और 4 ऑक्सीजन कितने हो गए अपने पास 7। तो बोलेंगे इसका एक मॉलिक्यूल पकड़ेंगे ना, एक छोटा सा भी मॉलिक्यूल, तो उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे हमारे पास 7। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें कितने एटम्स होंगे, तो बोलेंगे 2 इंटू Na इंटू 7, इतने हमारे पास टोटल एटम्स हो गए। कोई पूछता ऑक्सीजन कितना एटम है, तो हम बोले देखो एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 4, तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे अगर हमारे पास टोटल, तो कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, इतना इंटू 4, ठीक है। मतलब नॉर्मली अगर एटम्स एटम्स कभी निकालना होगा आगे चल के तो हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन पहले तो हमें ये मोल मास ये वाला कन्वर्जन आना चाहिए, उसके लिए हमें एटॉमिक मास याद रहना चाहिए भैया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ मास इंटू मोल ये वाला पार्ट हम समझ गए। अब चलते हैं चैप्टर में, लेते हैं एंट्री। अभी तक जो 14-15 मिनट तक देख रहे थे वो वाला पार्ट था जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक मास को रिलेट किया, कैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे किसी का, और कैसे फिर आगे हम मोल्स मास को ये वाला कैलकुलेशन आगे करेंगे।
चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, थोड़ा सा एक प्यारी सी कहानी है कि देखो भाई केमिस्ट्री अपने सब तरफ है। अभी जिस तरीके से नॉर्मली हम लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़ों का कलर ऐसे डिसाइड करते हैं, तो वो सब केमिस्ट्री। घरों की पेंटिंग कराते हैं तो उसके लिए केमिकल्स चाहिए, वो सब केमिस्ट्री। तबीयत खराब होती है तो दवाइयां खाते हैं, दवाइयां खाते हैं तो दवाइयां बनती कैसे हैं, केमिकल से ही तो वो सारी चीजें। या फिर जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के लिए तो कहीं फार्मिंग होती है, कहीं खेती होती है, तो खेती करते हैं तो क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर। तो बहुत सारी चीजें जो कि केमिकल से ही रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस तो मतलब इनफाइनाइट है, हम लोग के हर एक तरफ केमिस्ट्री ही पड़ा हुआ है। पानी पीते हैं तो पानी साफ होना चाहिए, कैसे साफ होगा, केमिस्ट्री से। केमिकल्स का यूज करेंगे तो साफ होगा। जैसे बहुत डेंजरस डेंजरस बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर, तो उसकी बीमारी को दूर करने के लिए बहुत प्यारा सा कंपाउंड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सिसप्लेटिन या फिर टैक्सॉल। ये दो कंपाउंड हैं जो बड़े फेमस हैं। सिसप्लेटिन तो ये तो बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड है जिसको यूज करते हैं कैंसर थेरेपी में। और अगर कभी किसी को ये गंदी सी बीमारी हो जाती है एड्स, तो उसके लिए भी जो यूज करते हैं AZT या AZT, एजाइडोथाइमिडीन, तो ये भी यूज किया जाता है। ये सब केमिकल से तो बना होगा, तो इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है भैया। और देखो इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसकी कुछ गंदगी भी है कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे बन जाते हैं जो अपने एनवायरमेंट को खराब करते हैं। तो हमें पता करना होगा कौन कौन से केमिकल्स अपने एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, एनवायरमेंट को बेकार कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जब निकलते हैं तो हमें तो ठंडा ठंडा लगता है, आराम से जिंदगी बिताते हैं हम। लेकिन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते, और इनकी लंबी लड़ाई होती है, उड़ करके कहाँ चले जाते हैं, ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर तक। और जब वहां पे सनलाइट वाली बहुत ज्यादा एनर्जी वाली लाइट पड़ती है इनके ऊपर, तो ये रिएक्शन करना शुरू करते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर पे जो ओजोन लेयर है जो हमें सनलाइट से बहुत ही डेंजरस वाली रेस से बचाता है, उसमें ये लोग होल कर रहे हैं, वहां पे जाके तमाशा करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव है। तो अर्थ में किसी से रिएक्शन करते ही नहीं, अर्थ सरफेस से बहुत ऊपर जा करके स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर के पास रिएक्शन करते हैं, जहां पे इनको बहुत सारी एनर्जी मिलती है रिएक्शन करने के लिए। और फिर देखिए ओजोन लेयर का डिप्लेक्शन इन्हीं की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो गए हैं। तो नॉर्मली मतलब केमिकल से अपना फायदा भी है और अपने को बहुत सारे लॉस भी चल रहे हैं। मतलब ऐसा बोले कि अपने लिए बहुत सारी प्रॉब्लम भी इसी की वजह से खड़ी हुई है। और भी सुना होगा लोग ड्रग्स व्रग्स लेने लगते हैं, उल्टी सीधी केमिकल्स खाने लगते हैं। कुछ ग्रीन हाउस गैसेस, वो गैसेस जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए मेन हम लोग अगर गैसेस की बात करें तो वाटर वेपर तो होता ही है ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल। CO2 गैस भी है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल है। अगर गैसेस की बात करें तो मेथेन गैस, ओजोन गैस और लाफिंग गैस, ये गैसेस जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो केमिकल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एक तो अपने अर्थ को खराब करने में भी उनका मतलब गंदा सा रोल है, और हम लोगों को जान से बचाने के लिए भी जो कि मेडिसिन में यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारा पार्ट थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंस से रिलेटेड था, जिसमें एक दो नाम आपको ध्यान रख लेने चाहिए। जैसे सिसप्लेटिन अपने एग्जाम में पूछ लेता है, बताओ कैंसर थेरेपी में कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं, तो क्या याद करेंगे, क्या बोलेंगे, सिसप्लेटिन, सिसप्लेटिन। और दूसरा नाम क्या था, टैक्सोल, टैक्सोल और सिसप्लेटिन, ये दोनों को कैंसर थेरेपी में यूज किया। और AZT ये किस में यूज किया, एड्स की बीमारी के लिए, ठीक है। तो ये छोटे मोटे नाम अपने को याद होने चाहिए। आगे बोल रहा है नेचर ऑफ मैटर, इतने बड़े तो हम लोग हो ही गए, हम जानते हैं नेचर ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस में होते हैं। सॉलिड का जो वॉल्यूम और शेप दोनों ही डेफिनेट होता है, जबकि लिक्विड्स के लिए क्या होता है भैया, वॉल्यूम तो डेफिनेट रहता है लेकिन उनका शेप फिक्स नहीं रहता है। पता चला ग्लास में डाला तो ग्लास जैसे हो गए, बोतल में डाल करके फिल किया तो वो बोतल जैसे हो गए, अलग अलग जगहों पर उनका अलग अलग तरीके का शेप हो गया। और गैस, गैस तो बड़े लोचा वाले हैं, ना उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है ना ही उनका कोई डेफिनेट शेप है। अगर पता चला रूम में किसी ने गंदी हवा निकाल दी तो पूरे रूम में फैल जाता है वो, मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ठीक है। जबकि अगर रूम में कहीं थोड़ी सी जगहों पे कभी वो वाटर का पार्ट गिर जाए तो ऐसा नहीं होगा बहुत दूर तक चला जाएगा, मतलब जाएगा थोड़ी दूर तक लेकिन पूरे रूम में ऐसे फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि पूरा रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, पूरा रूम पानी से मचमच भर जाएगा, ऐसा नहीं होता वो। तो मतलब डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड्स के लिए, लेकिन गैसेस के लिए ऐसा नहीं होता। वो जहां पे रखे जाते हैं वो अक्सर वो उसी का वॉल्यूम ले लेते हैं, चाहे तो हम उसी गैस को गैस सिलेंडर में ठूस दें कम वॉल्यूम में, और चाहे तो उसी गैस को हम ओपन कर दें तो पूरे घर में वो महकता रहे। अच्छा ये तो हो गया नेचर ऑफ मैटर, आगे चलते हैं। आगे चल करके जो मेनली हमारे पास अर्थ सरफेस पे जितने कंपाउंड्स मिलते हैं उनको दो तरीके से डिवाइड किया गया, मैटर्स जिनको बोलते हैं, जितनी चीजें हमें दिखाई देती हैं, जितनी चीजों को हम लोग जानते हैं या जिनको फील भी कर पाते हैं, वो सब मैटर्स। तो मेटल्स को नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स का मतलब है हमने दो लोगों को मिलाया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मिक्सचर का मतलब होता है हमने दो लोगों को मिलाया और वो मिल गए और आपस में रिएक्शन करके कुछ नया नहीं बना रहे, बस दोनों मिल गए,
ठीक है, जैसे हम शुगर और वाटर में मिलाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि शुगर मीठा था तो मीठा होना भूल गया, वो पानी गायब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। पानी पानी है, शुगर शुगर है, बस मिलाया तो मिल गए, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई नया केमिकल कंपाउंड नहीं बना, उसी को बोलते हैं मिक्सचर। दो लोगों को मिला, जैसे नींबू पानी मिलाया तो कोई रिएक्शन हुआ क्या? नहीं, तो वो एक मिक्सचर है। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग जैसे सैंड वाटर मिलाएंगे तो सैंड सैंड रहेगा, वाटर वाटर रहेगा, तो ये एक मिक्सचर है। ध्यान रखिएगा मिक्सचर क्या चीज है, दो लोगों को मिलाएं और आपस में रिएक्शन ना हो, बस वो मिल जाएं। जैसे ऑयल और वाटर को मिलाएं तो क्या होगा, बस वो आपस में मिल जाएंगे, आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, तो वो एक मिक्सचर है। अब कब उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, कब हेटरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब है जब हमने मिलाया अच्छे से मिल गए, हेटरोजेनियस का मतलब है जब हमने मिलाया अच्छे से नहीं मिली। जैसे सैंड और वाटर आपस में मिलाएंगे तो अच्छे से मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, तो उसको बोलेंगे हेटरोजेनियस मिक्सचर, और अच्छे से मिल गए तो तब उनको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे जैसे हवा में देखो इतनी सारी गैसेस मिली हुई हैं, अच्छे से मिली हुई हैं, फर्क नहीं देख पाते हम लोग, नाइट्रोजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, अच्छे से मिक्स हो गए, उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और जो चीजें होमोजेनियस मिक्सचर होती है ना, उनको बोल देते हैं सोल्यूशन, और जो हेटरोजेनियस मिक्सचर होते हैं इन्हीं को आगे जा करके हम लोग क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ते हैं जिनको बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। मतलब सारे हेटरोजेनियस मिक्सचर कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होते, लेकिन लगभग लगभग बहुत सारे हेटरोजेनियस मिक्सचर हैं जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला हवा वो होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन अगर हवा में डस्ट पार्टिकल चले जाएं, डर्टी एयर बन जाए, तो वो बन जाते हैं हेटरोजेनियस, क्योंकि वहां पे डर्ट सब जगह पे तो सेम तरीके से नहीं होता। पता चला जहां से गाड़ी चली गई वहां पे तो बहुत सारा डर्ट एयर में चला जाता है, तो वो हेटरोजेनियस मिक्सचर उस टाइम के लिए बन गया क्योंकि वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ हवा में। और होमोजेनियस मिक्सचर मतलब केवल एयर, बहुत सारी एयर को मिलाएंगे आपस में मिक्स हो जाएंगे, उसमें आपस में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उनको, तो वो हो गए हमारे पास सोल्यूशन। अच्छा, प्योर सब्सटेंसेस, प्योर मतलब जिसमें कोई मिक्सचर जैसा लोचा ना हो, तो वो हो गए एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट तो हम जानते हैं, जैसे हम सोडियम मार्केट से खरीद के लेकर आ जाएं तो हमें क्या मिलेगा, उसमें बहुत सारे सोडियम रहेंगे, बहुत सारे सोडियम रहेंगे, तो वो एक एक सोडियम को बोलेंगे सोडियम का एटम, और जो इतना बड़ा सा पार्ट हो गया वो हो गया सोडियम का एलिमेंट। अगर वो एग्जिस्ट कर जाते हैं तो नॉर्मली हम उनको ऐसे बोल देते हैं। एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, बोलते हैं नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में, जैसे जो भी चीजें हम लिखते हैं एच एच क्या है, एक एलिमेंट, लेकिन अगर किसी ने एच टू बना दिया तो ये एग्जिस्ट कर जाता है, तो फिर उसको एलिमेंट ना बोल करके हम बोल देते हैं कि ये एच टू जो है अब वो बन गया मॉलिक्यूल। और ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन गैस अगर इकट्ठा हो जाए जो एग्जिस्ट करने वाली चीजें हैं, तो उनको बोल देते हैं कंपाउंड। जैसे वाटर, वाटर में कौन है, बोलेंगे एलिमेंट है, कौन कौन, एच और ओ, दो एलिमेंट है। लेकिन अब अगर केवल वाटर बन गया है तो बोलेंगे जो वाटर है वो एक मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे वाटर मिल जाए तो उनको बोल देते हैं कंपाउंड। तो ये तो हो गया हम नॉर्मली मैटर के क्लासिफिकेशंस, जो बेसिक क्लासेस में भी आप लोगों ने सीखा होगा। अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट पॉइंट, जो कि दिया गया है बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, जो बहुत ही आसान आसान से है, बड़ा बड़ा इनको देखेंगे और चलेंगे आगे। लेंथ की यूनिट क्या होती है भाई, लेंथ की यूनिट तो बच्चा बच्चा जानता है, मीटर दिखाते हैं और उसका सिंबल रखते हैं स्मॉल एम, मास के लिए किलोग्राम, केजी से दिखाते हैं, टाइम के लिए सेकंड स्मॉल एस से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर से दिखाते हैं, और सिंबल होता है कैपिटल ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर अक्सर कैपिटल टी से दिखाते हैं सिंबल के लिए, लेकिन जो यूज करेंगे उसका यूनिट वाला सिंबल वो है हमारे पास कैपिटल के, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अक्सर मोल में दिखाएंगे, मोल हम लोगों ने देख ही लिया कि बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें मिल करके कितना सारा मिल जाए, 6.022 × 10²³। तो जब इतने सारी चीजें वो मिल जाएंगी तो उसी को बोल देंगे वो एक मोल हो गया। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट बोलते हैं कैंडला, और जिसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल सी और स्मॉल डी सी। अच्छा भाई, कुछ प्रीफिक्सेस बता रहा है, प्रीफिक्स मतलब अगर किसी के नाम में मिली आ गया, तो मिली आ गया तो आप क्या लिखेंगे, उस मिली को हटाएंगे जब तो लिखेंगे 10⁻³। अगर कहीं माइक्रो लिखा हुआ है तो हम उसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 10⁻⁶। अगर कहीं नैनो लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, क्या नैनो गाना गाने लगेंगे, नहीं भाई, जब नैनो लिखा होगा तो नैनो हटाएंगे तो लिखेंगे 10⁻⁹। प्रीफिक्स मतलब अगर कहीं लिख दिया गया, जैसे कहीं मीटर लिखा है और सामने नैनो लगा दिया, एन नैनोमीटर, इसका मतलब जब हम एन को हटाएंगे तो लिखेंगे 10⁻⁹ मीटर, इसी का मतलब होता है प्रीफिक्स। जैसे किसी ने लिखा योक्टोमीटर, याक्टोमीटर, तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम वाई को हटाएंगे क्योंकि ये प्रीफिक्स जैसा लगा हुआ है मेन जो हमारे पास सिंबल की यूनिट थी उसके लिए, तो जब हम वाई को हटाएंगे तो लिखेंगे 10⁻²⁴ मीटर। ठीक है, जैसे किसी ने बोला हमारे पास सेंटीमीटर लिखा हुआ है जिसको स्मॉल सी से दिखा देते हैं, तो जब हम सेंटी हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 10⁻²। प्रीफिक्स है, उसको हटाएंगे तो पहले क्या लिखना पड़ेगा उसकी जगह पे, 10⁻². किसी ने लिखा डेसीमीटर, तो जब हम डेसी हटाएंगे ना तो क्या लिखेंगे, 10⁻₁। ठीक है, डेसी का मतलब ऐसा है। कहीं फेमटो लिखा है, फेमटो, पता चला किसी ने लिख दिया फेमटो, एफ के जी, फेमटो किलोग्राम, तो
फिर जब हम बोलेंगे भैया देखो फेमटो लगाए ना, तो उसको हटाओगे तो लिखोगे 10^-5, 10^-15 किलोग्राम, ऐसे जैसे कहीं पी को लिख दिया अक्सर ये मिलेगा पिकोमीटर, तो जब हम पी को हटाएंगे तो लिखेंगे 10^-12 मीटर, इसी को बोल रहा है वो प्रीफिक्स, मतलब जो हमारे पास मेन यूनिट है मीटर उसके पहले आ गया पी, तो पी का मतलब है गया पी को, और उसको जब हम हटाएंगे तो लिखेंगे 10^-12, वही यहाँ पे बता रहा है अपने को। तो सब याद रखना है क्या? नहीं भैया, पी को याद रख लो 10^-12, नैनो याद रख लो 10^-9, माइक्रो याद कर लो 10^-6, मिली याद कर लो 10^-3, सेंटी याद ही रहता है यार सेंटीमीटर लोगों को, और डीसी 10^-1, ये थोड़ी सी छोटी मोटी यूनिट याद रख ले मन करे तो प्रीफिक्स के लिए। अब आगे कुछ और भी यहाँ पे है प्रीफिक्स, वो तो बहुत छोटी छोटी प्रीफिक्स थी, बहुत बड़ी बड़ी प्रीफिक्स की बात करते हैं। डे का, हेक्टो, किलो, किलो वाली बड़ी कॉमन है जानते हैं लोग। मेगा, मेगा स्टोर सुना होगा ना, मेगा में हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 10^6, गीगा 10^9, टेरा 10^12, ठीक है, और ऐसे पेंटा, एक्सा, जेटा, योटा, बोलने में बड़ा बढ़िया लगता है लेकिन ये सारी चीजें याद नहीं होंगी, किलो वाला टर्म याद रख लो, याद कर सकते तो, और मन करे तो मेगा और गीगा भी याद रख लें, और सारी चीजें आप डे का और हेक्टो, हेक्टो आप ध्यान रख लीजिए 10^2 को बोलते हैं, नहीं तो इनमें से कुछ भी नहीं ध्यान होगा तब भी चलेगा, चल जाता है, बस ये यूनिट एक बार देख लें कि प्रीफिक्स जब कभी ये सब आ जाते हैं तो इनकी जगह पे हम ये लगा देंगे, अपने यहाँ दिया गया है बुक में, ठीक है। अब आ जाते हैं टेम्परेचर का खेल, तो टेम्परेचर हम जानते हैं कि हीट को मेजर करने के लिए नॉर्मली हम लोग केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट का यूज करते हैं, तो जब हम बात करते हैं केल्विन, क्योंकि हमेशा हमें टेम्परेचर केल्विन में यूज करना होगा, तो केल्विन की जगह पे अगर हमें किसी ने दे दिया कि डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में बता दिया कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है सपोज 36 डिग्री सेल्सियस, किसी ने बता दिया मान लो उसकी बॉडी का है 36 डिग्री सेल्सियस, तो हम उसको केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, बोलते हैं भैया 36 वैसे ही लिख लो, उसमें 273 के आसपास ऐड कर देना, एग्जैक्ट मतलब 273 ले लो तो चल जाता है, तो 273 जब हम 36 में ऐड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में, जो आएगी वैल्यू वो हो जाएगी केल्विन में। अच्छा ये कन्वर्जन तो सबको याद रहता है कि जब हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिग्री सेल्सियस में 273 क्या कर देंगे ऐड, अगर हम कभी फारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो लिखेंगे 9/5 टाइम्स ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है, मतलब ऐसे याद रख लीजिए, देखो ABCD में तो F बाद में आता है ना और सी पहले आ जाता है, तो सी में कुछ ऐड करोगे तभी एफ मिलेगा, तो हम ऐसे लिखेंगे एफ इक्वल्स टू मतलब डिग्री फारेनहाइट इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसका कितना टाइम्स, 9/5 टाइम्स ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32, हमेशा ऐसे लिखेंगे एफ इक्वल्स टू सी प्लस 32, और जो सी होगा उसका 9/5 टाइम्स, 9/5 टाइम्स ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इक्वल्स टू एफ, एफ बोले तो फारेनहाइट, जब भी कभी डिग्री सेल्सियस में दे देगा टेम्परेचर फारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा, ये छोटे से फॉर्मूले का करेंगे यूज और बड़े आराम से कन्वर्जन कर पाएंगे। नेक्स्ट अब चलते हैं बहुत प्यार वाली चीज पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपने एग्जाम के लिए पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, क्या चीज पढ़ने चल रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या चीजें हैं, कुछ रूल सीखेंगे और फिर हम लोग समझ पाएंगे ये क्या चीजें हैं। हमसे बोल रहा है कि अगर हमारे पास रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, अगर कोई चीज नॉन जीरो में दिया गया है जैसे 285, तो बोलेंगे इसके पास कोई पूछेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो बोलेंगे 2, 8 और 5 तीनों ही सिग्निफिकेंट हैं, तो बोलेंगे देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब जो भी चीजें नॉन जीरो होंगी ना तो वो पक्का सिग्निफिकेंट होंगी, जैसे अगर किसी ने लिख दिया 0.25 तो बोलेंगे देखो 2 और 5 ये दोनों ही क्या है सिग्निफिकेंट, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स अगर कितनी भी मिल जाएंगे तो वो सारी के सारी कितनी होंगी, वो सारे के सारे होंगे सिग्निफिकेंट, उनको हमें बोलेंगे वो सिग्निफिकेंट नंबर्स में है, जैसे किसी ने दे दिया हमारे पास 1, 4, 2, 4, 1, 6, 7, 8, तो अगर कोई पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि कोई तो जीरो था ही नहीं। अच्छा अब अगर कहीं जीरो जीरो आएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए रूल बनता है, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब अगर हमारे पास जीरो पहले ही आ जाए और वही चलता रहे, ठीक है, जीरो पहले ही आ जाए और वही जीरो चल रहा होगा ना, तो हम इसको सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे, जैसे किसी ने लिख दिया 0.00003, तो इसका मतलब हो गया ये सारे जीरो बेकार है, अगर पहले से ही जीरो चलता चला आएगा तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट बस वो नॉन जीरो जैसा हो जाएगा, जैसे किसी ने अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कोई पूछा होता तो कितने बोलते हैं, बोलते केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे यहाँ पे 0.03 इसमें कोई पूछे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो पहले से ही जीरो चलता चला आ रहा है तो जो लास्ट में नॉन जीरो नंबर है वही सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, बस केवल 2, 5 और 2 जो लास्ट में है। अच्छा अब बोल रहा है जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब जीरो पहले से आ रहे हो तो नहीं,
अब अगर जीरो ऐसा हो कि हमारे पास दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाए, पहले दो लिख दिया, बाद में फाइव लिख दिया, बीच में डेसिमल लगाया है, अब बोलेंगे जब दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आएगा तो उसको बोलेंगे वो सिग्निफिकेंट होता है, उसका सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो किसी ने जैसे यहाँ पे पूछेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो बोलेंगे अब जीरो भी सिग्निफिकेंट है, मतलब जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर वो लगातार स्टार्टिंग से चलता चला आ रहा है जीरो 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 करके, तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं मानेंगे, लेकिन अगर दो नॉन जीरो के बीच में वो आ जाएगा तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे। तो बोलेंगे जैसे यहाँ पे बता दो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो बोलेंगे दो, जीरो, जीरो और फाइव, ये चारों ही हैं, तो चारों ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, जैसे किसी ने बोल दिया। अब लास्ट वाला रूल, अगला पॉइंट देखना बहुत प्यारा है यहाँ पर। जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। जीरो अगर कभी एंड में दिखे हों, किसी नॉन जीरो नंबर के बाद में आने वाले, ठीक है, तो वो कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में वो लिखे गए हैं जीरो, और ध्यान रखें उनके पहले हमारे पास नॉन जीरो आ चुका हो नंबर, जैसे ये किसी ने दे दिया 0.200, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि तुमने पॉइंट के बाद टू लिखा और उसके बाद जीरो लगाया है, तो नॉन जीरो के बाद आने वाले अगर वो पहले डेसिमल लग गया हो, तब, हमेशा नहीं, अगर पहले डेसिमल लग गया है और उसके बाद तुमने नॉन जीरो नंबर लिखा, फिर जो जीरो आएगा उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे 0.200, इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट हो गए, तीन हो गए अपने अपने पास। जैसे कोई दे देता हमारे पास 0.408000, कोई पूछता कितने सिग्निफिकेंट है, तो बोलेंगे ये जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि वो स्टार्टिंग में आया है, लेकिन डेसिमल के बाद नॉन जीरो नंबर है, उसके बाद जितने भी जीरो आएंगे सबके सब वो कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट, मतलब 1 2 3 4 5 6, कितने सिग्निफिकेंट हो गए अपने पास फिगर्स, 6, तो बोलेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 6 इस वाले केस में जो मैं ऊपर ले रहा था। जैसे लेकिन अगर अपने पास ऐसे दे दे, बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, क्या बोल रहा है, जो लास्ट में जीरो आएंगे वो बेकार हो जाएंगे अगर हमारे पास लास्ट में कोई भी, ध्यान से देखिएगा, अगर लास्ट में डेसिमल नहीं लगाया, केवल बिना डेसिमल के लिए ही, बिना डेसिमल लिखे हुए ही स्टार्टिंग में वो उसने नॉन जीरो नंबर दे दिया और बाद में उसने दिखा दिया ऐसा कुछ, बाद में उसने जीरो डाल दिया, तो ये जीरो फिर सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, डेसिमल लगा होना बहुत जरूरी है तभी वो सिग्निफिकेंट होंगे, तो बोलेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, केवल 1। लेकिन अगर ऐसे लिख दे 100 पॉइंट, तो इसका मतलब अब सारे जीरो सिग्निफिकेंट हो गए, नॉन जीरो के बाद आने वाले, नॉन जीरो नंबर के बाद आने वाले सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे अगर वहां पर डेसिमल लगा देगा तो। लेकिन ध्यान रखें डेसिमल लगाने से सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो पूरा का पूरा नंबर है पहले नॉन जीरो आना चाहिए। जैसे अगर ये देता 0.004, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता, केवल और केवल एक ही रहता। लेकिन अगर वो ऐसे लिख दे 0.4000, तो तब फिर बोलेंगे क्योंकि पहले नॉन जीरो नंबर आ गया, उसके बाद जितने भी जीरोस बनेंगे क्योंकि डेसिमल लगा है, तो वो सारे के सारे कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे बोलते हैं हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, जैसे 100 पॉइंट लिखेगा तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन केवल 100 लिखेगा तो सिग्निफिकेंट फिगर केवल 1। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन केस ऑफ 100 पॉइंट, पॉइंट लगा देने से। देखो अगर किसी ने ऐसे लिख दिया 100.0, तो इसका मतलब हो गया, अब देखो पहले तो एक नॉन जीरो नंबर आया है ना 1, उसके बाद अगर कहीं उन्होंने पॉइंट डेसिमल डाल दिया ना, तो लास्ट में कितने भी जीरो लगाओगे सबको सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है अपने पास, 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन, वी कैन एक्सप्रेस। अब बोल रहा है ऐसे नंबर को तुम कैसे दिखाओ, अच्छे से कैसे दिखाएं, तो बोलेंगे वी कैन एक्सप्रेस द नंबर, अगर 100 किसी ने लिखा तो लिखें 1 × 10^2, तो जो ये 1 है वही एक सिग्निफिकेंट फिगर जैसा है। अब जब किसी ने ऐसे लिख दिया 100 पॉइंट, हाँ 100 पॉइंट करके डाल दिया, तो उसको उन्होंने लिख दिया 1.0 × 10^2, तो 1.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए अपने पास, एक हो गया 1, और पॉइंट के बाद जो हमारे पास जीरो आया वो भी 2 हो गया। अगर किसी ने ऐसे लिखा है ना, तो ये दोनों ही सिग्निफिकेंट, ध्यान रखें 10^2 में जो भी आता है उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानते, बस जो यहाँ पे नंबर दिखा रहे हैं ना वही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे 2 हो गए क्योंकि पहले नॉन जीरो है और डेसिमल लगा दिया तो 2। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया 1.00 × 10^2, इट मीन्स वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि पहले नॉन जीरो है और फिर डेसिमल है, और डेसिमल के बाद या डेसिमल लगा हो कंपाउंड में, तो जो लास्ट वाले जीरोस होते हैं उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। ठीक है भाई, अच्छा कंफ्यूजन हो गया होगा, इतना सारा रूल बता दिया है, एक रूल और देख लेते हैं, तो हम इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल देख लेंगे। अगला बोल रहा है कि अगर हम किसी नंबर को काउंट करते हैं ना, और हम ऐसे बोल देते हैं 2 बॉल है 20 अंडे हैं अपने पास, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर किसी ने ऐसे बोल दिया ना 2 बॉल्स 20 eggs
इट मीन्स वी हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज वी कैन इंडिकेट, वी कैन राइट दिस बॉल्स, टू बॉल्स वी कैन राइट लाइक टू, वी कैन राइट लाइक 2.00000 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास 20x है तो हम उसको 20 लिख सकते हैं और 20.00000000 ऐसे बहुत सारा खेल सकते हैं। तो अगर केवल कोई ऐसे ऐसे लिख देता है ना, तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई हमसे बोलेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं भैया, बोलेंगे बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, टेंशन लेने की बात ही नहीं है भाई। अच्छा अब थोड़ा सा और एक पॉइंट बोल रहा है, इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी चीजें लिखी होंगी वो सारे सिग्निफिकेंट अगर वो साइंटिफिक में लिखे गए तो, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमेशा कहीं डेसिमल लगाना पड़ेगा अपने को, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, 10 to the power में लिखना पड़ेगा कुछ, ठीक है। अब जैसे कोई यहाँ पे पूछता कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो बोलते हैं 4, 0 और 1, ये तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। व्हाइल लिमिटिंग द रिजल्ट्स टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज डन इन द अबव मैथमेटिकल ऑपरेशन, वन हैज टू कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर राउंडिंग इट ऑफ। अच्छा अभी बता रहा राउंड ऑफ कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हो गए, ठीक है, मैं इधर एक दो बोलने चल रहा, तुम उसको अपने मन से ट्राई करना, फिर मेरे से आंसर मिला लेना। किसी ने बोला 104000 ऐसे लिख दिया, सोचो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसका, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1, 2 कर लिया होगा ना भाई, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, क्या लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे इनको, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं लगाया है, डेसिमल नहीं लगाया, डेसिमल लगा देता तो फिर जो जीरो लास्ट में आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, अभी नहीं होंगे। लेकिन जो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, 1 और 4 के बीच में जो जीरो आया है वो सिग्निफिकेंट होगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए अपने पास, 3, ठीक है भाई। अच्छा समझ में आ गया ना, चलो अगर यही ऐसे लिख देता 178.00100, आप कोई पूछता कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो क्या मैं ऐसा बोलूं सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि डेसिमल लगा दिया तो जीरो चाहे पहले लिखो बाद में लिखो कहीं भी लिख दोगे, अगर डेसिमल लगाया है तुमने और पहले नॉन जीरो नंबर आ गया है तो उसके बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और हमें बोलना पड़ेगा। तो ये 3 हो गए और 3, 6 और 2, 8, 8 सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अपने पास। राउंड ऑफ के लिए जो रूल है वो बहुत प्यारे से रूल है, देख लेते हैं फटाफट। बोल रहा है कभी अगर हमारे पास आंसर आ जाता है, जैसे ऐसे आ गया 1.386, तो हम इसको राउंड ऑफ करने के बोलेगा, चलो डेसिमल के सेकेंड डिजिट तक ही आंसर लिख के दिखाओ। तो बोलते क्या है भाई, अगर लास्ट का जो नंबर है वो अगर 5 से ज्यादा है, लास्ट का नंबर 5 से ज्यादा है, तो क्या करते हैं उसको हटाते समय अंदर 1 ऐड कर देते हैं, तो इसको लिखना पड़ेगा 1.39, सिंपल 1.39। अगर लास्ट का नंबर 5 से ज्यादा है तो हमेशा जब हम उसे हटाएंगे तो उसके अंदर वाले के नंबर पे 1 इंक्रीज कर देंगे बस, अगर वो 8 है तो 9, 9 होता तो हम 10 जैसा लिख देते, मतलब जो भी होगा हम 1 इंक्रीज कर देंगे उसमें। जैसे अगर हमारे अपने पास होता 1.479, तो हम इसको क्या लिखते, जब हम 9 हटा रहे होते तो अंदर 1 ऐड कर देते, ये बन जाता 1.49। अगर हमारे पास होता 7.768 और इसको कोई बोलता राउंड ऑफ करो, तो जब हम 8 को हटाते तो अंदर 1 ऐड कर देते, ये बन जाता 7.77। अगर कोई ऐसे बोलता है कि हमारे पास 8.67 और इसको कोई बोले राउंड ऑफ करो, तो लास्ट का नंबर 5 से बड़ा है, 7 जब हटाएंगे तो अंदर एक 1 ऐड कर देंगे, तो इसको राउंड ऑफ करते समय 8.7 जैसा बोल देते हैं। अच्छा अगर कभी ऐसा हो कि लास्ट वाला नंबर 5 ही हो जाए, लास्ट वाला नंबर क्या हो जाए भैया, 5 ही हो जाए, तो क्या करेंगे, अगर वो 5 हो जाए ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि लास्ट का नंबर अगर इक्वल टू 5 हो जाए, अगर वो लेस देन 5 हो जाए तो फिर जो लास्ट का नंबर है अगर लेस देन 5 हो जाए तो कुछ करना नहीं है, उसको वैसे ही हटा देना है और सेम रिजल्ट छोड़ देना है। जैसे लास्ट का नंबर यहाँ 4 है तो बस 4 हटा दो, 4.33 आंसर। अगर ऐसे है हमारे पास 1.3034 ऐसे करके, तो किसी ने बोला 4 को हटाना है तो क्या करें, बोलेंगे हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 5 से ज्यादा नहीं है, 5 से ज्यादा होता तो 1 इंक्रीज कर देते, और 5 होगा तो क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमारे पास लास्ट का नंबर जो है वो क्या हो, 5। देखो बोल रहा है इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज 5, अगर सबसे लास्ट वाला डिजिट 5 है और उसको हम हटाने जा रहे हैं, देन द प्रीसीडिंग नंबर, मतलब उसके पहले वाला जो है, इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज एन इवन नंबर। हे भैया ये क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास किसी ने दे दिया 6.465, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर उन्होंने बोला सबसे जो राइट मोस्ट नंबर है, सबसे लास्ट वाला नंबर 5 है और हम इसको हटाना चाहते हैं, ठीक है, लास्ट वाला 5 है और उसको हटाना चाहते हैं, और हमने देखा उसके पहले वाला नंबर कैसा है, इवन या ऑड, इवन,
अगर वो उसके पहले वाला नंबर इवन है ना तो उसको वैसे ही रहने देंगे, उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब जब हम इसका राउंड ऑफ करते हैं तो ये लिख देते हैं 6.46, दैट्स इट। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो लास्ट वाला नंबर है बट इट इज इंक्रीज्ड बाय वन इफ इट इज एन ऑड नंबर, मतलब अगर हमारे पास यही ऐसे होता 4, 6.455, तो हम क्या करते, अगर हम इसको हटा रहे होते तो, क्योंकि उसके पहले वाला नंबर कैसा है ऑड, तो जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो लास्ट में 5 था, 5 को हटाते समय अंदर का नंबर देखना पड़ेगा। इवेन है तो ठीक है, इवेन नहीं है तो उसको 1 दे दो, ऐड कर दो, 4, 6.46 कर दो, ऐसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, जैसे अगर ऐसे दिया होता 6.25, 5 हटाना है, अंदर इवेन है तो छोड़ देंगे ऐसे ही। लेकिन अगर ऐसे दे दिया 6.35, तो जब हम 5 हटाएंगे तो 3 को 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 कैसा है ऑड, ऑड है तो इवन बना देंगे, इवन है तो छोड़ देंगे ऐसे ही बस। आओ कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। इसमें कोई बताए भाई कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, फटाफट सोचें। देखो डेसिमल लगाया है हाँ, लेकिन ये सारे जीरो बेकार हैं क्योंकि पहले कोई नॉन जीरो आया नहीं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, केवल 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, नॉन जीरो के बीच वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो कितने हो जाएंगे 3। इसमें कितने नॉन जीरो के बीच में आया हुआ, तो वो तो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट, क्या ये तीनों जीरो होंगे, नहीं केवल 3, क्योंकि वो जीरो लास्ट में आए थे। लेकिन अगर डेसिमल लगा दिया तो सबको काउंट करना पड़ेगा, चारों हैं। यहाँ पर देखो बीच वाले जीरो भी क्या सिग्निफिकेंट है, जी हाँ 4 और 1 5, सारे सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा ऐसा हो जाएगा, जी हाँ ऐसा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या चीज, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर ये सीख लिया तो बचे हुए पार्ट को, जो सरफेस ये वाले चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, एक छोटा सा पार्ट और देंगे उसमें बोल देंगे। बस पहले ये 3 लॉज को देख लीजिए जागते हुए, ठीक है। थोड़ा सा अगर एनर्जी कम हो गया हो, एक थोड़ा सा पानी की घूंट लें और फिर से एनर्जी के साथ जो लॉज बताएंगे ना, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये लॉज लोगों को तो सुनने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन याद नहीं रहता। नाम ही इनका ऐसा है, पहला वाला बहुत आसान है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ले यहीं से लोगों का माथा घूमने लगता है, ये क्या बोला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये क्या चीज है। अच्छा ये वाला तब भी बचपन से सुना होता है। अगला होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और एक और हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन करके, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, देखो मास कंजर्वेशन क्या चीज है, मास कंजर्वेशन का बस इतना मतलब है भैया, साइंटिस्ट बाबा वो आइंस्टीन बाबा बता के मर गए, क्या बताया उन्होंने कि कभी मास को हम खत्म नहीं कर सकते, मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जब भी कभी हम रिएक्टेंट लेकर जा रहे होंगे कुछ ग्राम में, तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास सेम ही रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मास गायब हो गया, 4 किलो लेकर गए थे और वो खत्म हो गया तो प्रोडक्ट बना केवल 3 किलो, और कहाँ गया, ऐसा कहीं नहीं होगा। मास हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। एक एक करके देखते हैं, यही थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था मास कंजर्वेशन केमिकल में। ठीक है, देखो बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हैं हम लोग, 1743 मतलब तब ये पैदा हुए होंगे, और 1794 में ये चले गए, मतलब उसी के बीच में इन्होंने अपनी कहानी बताई होगी। ठीक है, एंटोइनो लेवाइजियर ने इन्होंने बताया मास कंजर्वेशन के बारे में कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बस दैट्स इट। आगे चलेंगे, जोसेफ प्राउस्ट इन्होंने हमें बताया था डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में, क्या कहानी इन्होंने सुनाया, देख रहे हो बिल्कुल चांद सितारा जैसा जिंदगी इनकी लग रही है। जोसेफ प्राउस ने क्या बताया अपने को कि देखो भैया तुम पानी ले आओ, अगर तुम वाटर लेकर आओगे ना, तो वाटर तुम कहाँ से ला रहे हो, अपने फ्रिज से निकाल करके, या फिर गए थे सी से लेकर चले आए, या फिर तुम ओशियन से लेकर चले आए, कहीं से भी पानी लाओगे तो उसमें जो एलिमेंट्स आए हैं उनका जो मास का रेशियो होगा वो डेफिनेट होगा, उसी को बोल रहे हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन करके। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये क्या चीज हो गया कि जो भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड है उसमें आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका जो मास का रेशियो है वो डेफिनेट है, फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। अब चाहे वो फ्रीज वाला वाटर हो अपने पास, तो बोलेंगे यहाँ पे 2H है तो उसका मास कितना हो जाता है 2, और ऑक्सीजन का मास कितना है भैया 16, तो इनका जो रेशियो है हमारे पास वो कितना है 1:8 एटॉमिक मासेस का रेशियो। अब यही वाटर चाहे सी से हो, चाहे ओशियन से हो, या रिवर से हो, या तुम गटर से ले आओ, कहीं से भी अगर वो वाटर है तो उसमें जो आने वाले एलिमेंट उनका मास का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, डेफिनेट रहेगा, इसलिए बोल रहे हैं इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बताया गया। एनसीईआरटी में इसी चीज को समझाने के लिए उन्होंने यूज किया है एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, क्यूप्रिक कार्बोनेट के लिए उन्होंने बोला, हम देखो क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3 जिसका फॉर्मूला है, उन्होंने एक बार इसको लैब में बनाया और एक बार जाकर के अर्थ सर्फेस से कलेक्ट कर लाए, कहीं पे इसकी चट्टान मिलती रही होगी वहां से वो ले आए, और दोनों में ही देखा कि जो उसका
कॉपर का यहाँ पे जो मास का परसेंटेज है, या ऐसे बोले जो यहाँ पे कॉपर का मास है, कार्बन का मास है, ऑक्सीजन का मास है, जो इनका सबका मास है ना वो फिक्स है। ऐसा नहीं कि लैब वाले में तुमने देखा कि जब कॉपर कार्बोनेट बनाए तो कुछ और है, और जब हम बाहर से कहीं से लेकर आए, या ऐसे बोले कि जब हम किसी रॉक से जाकर के लेकर आए तो वहां पे अलग। ऐसा नहीं, सब जगह पे उसका जो मास का रेशियो होगा वो कैसा रहेगा, सेम। देखो परसेंटेज में उन्होंने बता दिया है यहाँ पे बस, कि हमारे पास अगर कॉपर 51.35% है तो नेचुरल वाले सैंपल में भी इतना है, और जब हमने उसको लैब में बनाया सिंथेटिक तो वहां पर भी उतना ही है। इसी को बोल रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, कि जो भी है वहां पर उसका जो परसेंटेज होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसी को मैं तुम ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे मैं अभी मास के रेशियो में बता रहा था, डेफिनेट प्रोपोर्शन को ऐसे भी समझा सकते हैं वाटर वाले पार्ट को, कि जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे, किस चीज का परसेंटेज, मास का, तो बोलेंगे देखो टोटल मास कितने हैं 18, दो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 8 16, तो टोटल 18 हो जाता है। उसमें हाइड्रोजन का मास कितना है 2 × 100, तो बोलेंगे जब भी कभी वाटर उठाओगे ना तो जो हाइड्रोजन का परसेंटेज है वो इतना ही आएगा, कहीं से भी तुम्हारे पास वाटर हो और अगर तुम हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने जाओगे तो इतना ही आएगा। ऐसे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा 16/18 × 100, ये भी बिल्कुल फिक्स जैसा हो गया। सेम तरीके से उन्होंने यहाँ कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन के लिए निकाला है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये तो लॉ बड़ा आसान है। दूसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये चीजें समझने में लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, ध्यान से देखिएगा, दिक्कत बिल्कुल भी हो नहीं होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बताया है, कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट, या ऐसे बोले दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं, चलो मान लो हमारे पास है, एक है एच और एक है ओ, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करके दो से ज्यादा तरीके के कंपाउंड बना रहे हैं, या कम से कम दो तरीके के कंपाउंड बना रहे हैं। एच और ओ आपस में रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं, वाटर, और दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं, H2O2। तो जब कभी दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और दो से ज्यादा कंपाउंड या फिर दो टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, तो फिर ध्यान से सुनिएगा, तो फिर जो हमारे पास ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं ना, इनके मासेस अगर हम कंपेयर करें, देखो इसमें हाइड्रोजन का मास कितना होगा, दो हाइड्रोजन है तो कितना मास, तो वो दो दो हो जाएंगे अपने पास, और ऑक्सीजन का मास कोई पूछता तो कितना बोलते हैं 16। यहाँ पर कोई पूछे हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का मास कोई पूछता है तो कितना 34। तो ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो ये बताता है कि दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके जब मल्टीपल कंपाउंड बनाते हैं तो फिर एक एलिमेंट के मास का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टेंट मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, जैसे हम यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को कितना मास ले लिया 2 ग्राम और 2 ग्राम, तो जब हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया तो जो ऑक्सीजन है उनके जो मास का रेशियो है वो आएगा होल नंबर, यहाँ पे 16 यहाँ पे 34, इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 1:2, मतलब ये जो इनके मास का जो रेशियो आया, किसके मास का रेशियो, जब हमने एक एलिमेंट का मास कर दिया फिक्स और दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो निकाला, तो वो कैसा हो गया, वो एक होल नंबर का रेशियो बना, होल नंबर का रेशियो। ठीक है, ऐसा केवल इनके लिए नहीं है, बहुत सारे, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या क्या बना सकते हैं भाई, CO बना सकते हैं और आपस में रिएक्शन करके CO2 भी। तो अगर हम देखें कार्बन का मास यहाँ पे 6 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना 16 हो जाएगा, ये फिर उल्टा लिख दिया मैंने, कार्बन के लिए 12 ग्राम और ऑक्सीजन के लिए कितना लिखना चाहिए 16 ग्राम। तो जो यहाँ पे कार्बन का मास होगा वो भी 12 ग्राम जैसा, और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16 × 2 = 32 ग्राम। तो बोलेंगे कॉन्स्टेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, अगर हम एक एलिमेंट का कॉन्स्टेंट मास ले लें तो जो दूसरा एलिमेंट है उसके मास का जो रेशियो होगा वो हमेशा कितना होगा, होल नंबर का रेशियो होगा, क्या होगा, होल नंबर का रेशियो होगा। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके कई तरीके के कंपाउंड बनाते हैं SO2 और SO3, तो SO2 में जब सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखोगे तो ये हो जाएगा 32:32, और SO3 में देखोगे तो वो सल्फर के लिए 32 और ऑक्सीजन के लिए कितना 16, और 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 48। तो एक सल्फर के मास को कांस्टेंट कर दें तो जो ऑक्सीजन का मास का रेशियो है, देखो सल्फर दोनों में एक ही था ना, तो दोनों में 32 करके आ जाएगा उसका एटॉमिक मास जो होगा हमारे पास। तो जो कांस्टेंट मास ऑफ वन वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का कांस्टेंट मास ले लें तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा एलिमेंट है उसका जो रेशियो निकालोगे वो हमेशा होल नंबर का रेशियो बनेगा। तो देखो 32 और 48 का रेशियो कितना बनेगा अपने पास, ये 16 से डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 2:3 का रेशियो, ये होल नंबर रेशियो ही तो है, ये 2 और 3 होल नंबर जैसा ही तो है। तो हमेशा ऐसा होगा कि जब हम किसी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करके दो या दो से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बनाएंगे तो मास का जो रेशियो होगा, मास का रेशियो अगर हम दूसरे एक एलिमेंट को कांस्टेंट कर दें मास में, तो जो दूसरा एलिमेंट है जो सब में कॉमन भी है उनका जो मास का जो रेशियो आएगा वो हमेशा एक होल नंबर का रेशियो होगा। बस इस लॉ को हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाई डॉल्टन इन 803। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर, मतलब एक के मास को फिक्स कर रहे हैं और दूसरे के मास का रेशियो निकालेंगे, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, छोटे छोटे होल नंबर का रेशियो है। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बता रहा है कि हाइड्रोजन 2 ग्राम तो ऑक्सीजन 16 ग्राम तो बनेगा वाटर, और ऐसे हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम तो बनेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये कॉन्स्टेंट कर दिया और इनके मास का जो रेशियो निकाला वो कितना आया, होल नंबर, स्मॉल होल नंबर रेशियो 1:2 जैसा। अगला लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या चीज है, देखिए भाई भाई मल्टीपल प्रोपोर्शन ना समझ में आया हो एक बार फटाक से कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत आसान सा था। दो लोगों को आपस में रिएक्शन कराया और वो आपस में रिएक्शन करके दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो, तभी वो लगेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, जब भी कभी हम बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, तो दो लोग आपस में रिएक्शन करके कम से कम दो तरीके तो कंपाउंड बनाएंगे, और फिर उसमें एक का मास हम कर देंगे फिक्स और दूसरे का मास का रेशियो निकाल लेंगे, वो हमेशा कैसा होगा, स्मॉल होल नंबर का रेशियो। किसी भी दो लोगों को उठा लोगे देखोगे वो अक्सर दो से ज्यादा टाइप के तो कंपाउंड बना ही लेते हैं, तो जो एक का मास अगर फिक्स करोगे तो दूसरे का मास का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक होल नंबर के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये क्या बताता है, ये बोलता है अपने पास कि जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी दो लोगों को, किसको कराते हैं, दो लोगों को आपस में नहीं, किसी दो लोगों को, जैसे कार्बन और सल्फर पकड़ लिया ना, तो इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराने की बात बाद में करेगा, पहले बोलेगा इन दोनों की रिएक्शन कराओ किसी तीसरे के पास, किसी तीसरे से इन दोनों की रिएक्शन कराओ, वो भी फिक्स मास में, किसी तीसरे का फिक्स मास ले लो, मतलब जितना ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ना चाहिए उतना ही सल्फर के साथ। तो देखो कार्बन के साथ जुड़ा करके हम लोग क्या बना सकते हैं, CO2, और सल्फर के साथ ये मिल करके क्या बना सकते हैं, SO2। तो इसका मतलब हो गया जब दो एलिमेंट्स कम आप जब दो एलिमेंट्स किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कॉन्स्टेंट मास ऑफ थर्ड एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, तो ये आपस में कार्बन रिएक्शन करके CO2 बना लेगा, सल्फर रिएक्शन करके SO2 बना लेगा। तो ये रूल क्या बोलता है कि जब ये दोनों ने किसी तीसरे के कांस्टेंट मास के साथ रिएक्शन किया होगा, तो क्योंकि ऑक्सीजन का मास तो कांस्टेंट है ना, अब जो ये इनके मास का रेशियो है, इनके मास का रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन के रेशियो, तो बोलेंगे देखो भैया ऑक्सीजन तो दोनों में सेम है, तो यहाँ पे जब तुम रेशियो देखोगे तो कार्बन के लिए हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, दो ऑक्सीजन के लिए 32। यहाँ पे जब तुम मास का रेशियो देखोगे तो सल्फर के लिए 32 और ऑक्सीजन के लिए दो है, तो वो हो गए 32। तो हमसे बोलता ये है कि जब दो एलिमेंट तीसरे के कांस्टेंट मास के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उन एलिमेंट का जो रेशियो है, मास का रेशियो, कार्बन और सल्फर के मास का रेशियो मैं लिख रहा हूं उधर, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12:32, ये तो हो जाएगा, कार्बन यहाँ पे 12 है, सल्फर वहां पे 32 है, तो उनका रेशियो ये बन जाएगा। अब जो यहाँ पर इनके मास का रेशियो आया है, ध्यान से सुनना, और अब बोलेगा कि ये दोनों एलिमेंट आपस में अगर रिएक्शन करते हैं, अब इनको आपस में रिएक्शन करा लो जिस तरीके से भी करते हो, कार्बन और सल्फर रिएक्शन करके क्या कर लेते हैं, CH2 बना लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ऐसे कार्बन डाइसल्फाइड। तो बोलता ये है ये रूल कि जब वो दोनों लोग किसी तीसरे के साथ रिएक्शन कर रहे थे और तीसरे का मास रख रहे थे कांस्टेंट, तो उस टाइम पे उन दोनों के मास का रेशियो, और जब वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो उस टाइम पे मास का रेशियो, अभी इनके मास का रेशियो सोचो कितना होगा, कार्बन के लिए 12 और सल्फर के लिए हो जाएगा 32, और दो सल्फर के लिए कितना हो जाएगा भैया 32 × 2 = 64। अब बता तो अब ये रूल ये बोलता है कि इनके मास का रेशियो जब वो लोग दूसरे से रिएक्शन कर रहे थे और उन्हीं के मास का रेशियो जब वो दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे थे, और अब अगर इनका रेशियो निकाले ना, तो वो एक स्मॉल होल नंबर के बराबर होगा। किनका रेशियो, इनका और इनका, तो अब हम लिखने जा रहे हैं सी कार्बन और सल्फर के मास जो रेशियो है वो डिवाइडेड बाई कार्बन और सल्फर के मास का रेशियो, लेकिन ऊपर वाला जो लिखा है वो क्या लिखा है, जब वो दोनों रिएक्शन कर रहे थे ओ के साथ, और ये क्या है, जब वो दोनों रिएक्शन कर रहे थे आपस में, तो इनके मास का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, पहले रेशियो था 12:32, बाद में जो रेशियो है हमारे पास वो है 12:64, तो 12:12 तो कैंसिल हो जाएगा, 64 ऊपर जाएगा 32 नीचे, तो ये कितना बनेगा अल्टीमेटली 2:1। मतलब ये हो गया कि जब दो लोग किसी तीसरे के साथ तीसरे के कॉन्स्टेंट मास के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उनके मास का रेशियो, किनके मास का रेशियो, जो दो लोग आपस में रिएक्शन कर रहे हैं उनके मास का रेशियो, और जब वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो उस टाइम पे उनके मास का रेशियो का रेशियो, मतलब अभी जो पहले रेशियो मिला था और जो बाद में रेशियो मिला, अब उसका रेशियो निकालेंगे, तो वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो के बराबर होगा। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। ध्यान से सुनिएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, अब मैं उसको थ्योरी में बता रहा। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, दो लोग किसी तीसरे के फिक्स मास के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, देन रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो बियर ए स्मॉल होल नंबर रेशियो
टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन। बोल रहा है कि जब हम उनके रेशियो, जब वो दोनों आपस में कंबाइन होंगे उस टाइम पे उनके मास का रेशियो, और जब वो दोनों किसी तीसरे के कांस्टेंट मास के साथ कंबाइन हो रहे थे उस टाइम पे उनका रेशियो का जो रेशियो निकालेंगे वो हमेशा एक स्मॉल होल नंबर रेशियो जैसा होगा। वही हमसे बता रहा है, बियर से स्मॉल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन। समझ में आया? यही नहीं, इसमें आप और भी सोच सकते हैं कि जब कभी दो लोग, जैसे हमारे पास मान लो सल्फर हो और ऑक्सीजन हो, इन दोनों को हम कंबाइन कराएं एच के साथ, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ एच दे दें, तो इसको दो एच दे दो तो ये बना देगा H2S हाइड्रोजन का सल्फाइड, और ऑक्सीजन को दो एच दे देंगे तो वो बना लेगा वाटर। अब देखो H2 तुमने सेम ले लिया, तो इनके सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या हो जाएगा इस टाइम पे, जब ये दोनों किसी तीसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो बोलेंगे देखो इस टाइम पे इन दोनों के मास का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 32:16। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते तो क्या बना लेते भाई, SO2 बना लेते। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे उस टाइम पे इनके मास का रेशियो कितना हो जाएगा, सल्फर के लिए 32 और ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, वो भी 32, क्योंकि दो ऑक्सीजन है अभी यहाँ पे। अब जो इनका रेशियो बनेगा वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो जैसा होगा, ये हमें बता रहा है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ऊपर बनेगा 2:1 और नीचे तो पूरा 1 ही बन गया, तो अल्टीमेटली 2:1 जैसा होगा। तो अल्टीमेटली क्या है, स्मॉल होल नंबर रेशियो, बस यही बोल रहा है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तीन लोगों को लेकर के हैं कि कोई दो लोग तीसरे के कांस्टेंट मास के साथ रिएक्शन करेंगे तो उनका मास का रेशियो, और जब वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनके मास का रेशियो, और उस टाइम पे फिर ओवरऑल जो रेशियो निकालेंगे वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा, बस दैट्स इट। ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ। ठीक है भाई, समझ में आया? दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है तो आप फटाक से बोल सकते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया है वो पॉइंट रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये जो छोटे मोटे लॉस थे ना वो समझ में आना चाहिए। ध्यान रखिए इसका दूसरा वाला पार्ट देखने से पहले आप एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास, जो 20 तक मैंने बताया क्या क्या आपको याद रखने हैं, कैसे मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। और ये लॉस और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के मैंने रूल्स बताए और जो उसके मैंने एग्जाम्पल्स कराए, कहीं डाउट है तो कमेंट में आकर के पूछेंगे, और अगर डाउट नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसका दूसरा पार्ट देख लेंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है भाई, ये एनसीईआरटी बेस्ड थी, सारी लाइन एनसीईआरटी की, कोई लाइन मेरी नहीं, सारी लाइन एनसीईआरटी की, बस एग्जाम्पल्स मेरे समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल्स इधर यहाँ पे खुद लिए हैं और सारी लाइन एनसीईआरटी की है बस। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले पार्ट में इस चैप्टर के बचे हुए सारे कॉन्टेंट को देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।